सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। तो इसमें हम लिखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट अज्यूम्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सर्जन बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट स्प्रेड मोस्ट इजिली अलॉन्ग द लिम्फेटिक्स टू रीजनल लिम्फ नोड्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सो लिम्फ नोड्स में हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। तो ये है सब क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स, ये अपाइकल, ये इंटरनल मैमिलरी, ये पोस्टेरियर एक्जिलरी, ये लैटरल एक्जिलरी, ये सेंट्रल एक्जिलरी एंड ये वाला है एंटेरियर एक्जिलरी। तो ये क्या हमारे डायग्राम लिम्फ नोड्स की। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में हम क्या लिखेंगे, पहला एक्जिलरी लिम्फ नोड। तो इसमें हम लिखेंगे चीफली द एंटेरियर ग्रुप, जिसमें पार्ट्स है पोस्टेरियर लिम्फ नोड, लैटरल एक्जिलरी लिम्फ नोड, सेंट्रल एक्जिलरी लिम्फ नोड एंड अपाइकल एक्जिलरी लिम्फ नोड। इसमें और हम लिखेंगे ऐड कर देंगे ऑल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें हम डायग्राम में देख लेंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स विच लाइज अलॉन्ग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। नेक्स्ट है सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑल्सो रीचेज द सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, द सेफेलिक नोड्स, द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, द सब डायफ्रेगमेटिक एंड सब सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। तो इसमें हम देखेंगे, सो नेक्स्ट हम लिखेंगे लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसमें हम लिखेंगे द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रिस्ट एक्सेप्ट फॉर निपल एंड एरियोला, द लिम्फेटिक्स पास रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है द डीप लिम्फेटिक ड्रेन्स द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रिस्ट, दे ऑल्सो ड्रेन द निपल एंड एरियोला। तो ये होगा हमारा लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसमें हम और एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे क्या है। तो इसमें नेक्स्ट है अबाउट 75% ऑफ लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इंटू द एक्सिलरी नोड्स, 20% इंटू द इंटरनल मेमोरी नोड्स एंड 5% इन पोस्टेरियर इंटरकॉस्टल नोड्स। तो ओके, तो 75% लिम्फ कहाँ पर ड्रेन होता है, एंटेरियर एक्सिलरी नोड्स में, 20% इंटरनल मेमोरी नोड्स में एंड 5% पोस्टेरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में। तो इसका रूट देखते हैं हम, लिम्फेटिक्स एंड्स मोस्टली इन द एक्सिलरी ग्रूव्स। तो इससे क्या होता है, तो पार्टली दे ड्रेन करते हैं पोस्टेरियर ग्रुप में एंड अपाइकल ग्रुप में, एंड मोस्टली कहाँ पर ड्रेन करते हैं, सेंट्रल ग्रुप और लैटरल ग्रुप। तो वो कहाँ ड्रेन करते हैं, अपाइकल ग्रुप, एंड अपाइकल ग्रुप कहाँ ड्रेन करता है, सब सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में। तो ये रूट हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल मेमोरी नोड्स ड्रेन्स द लिम्फ नॉट ओनली फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ द ब्रिस्ट बट फ्रॉम द आउटर हाफ एज वेल। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अ प्लेक्सस ऑफ द लिम्फ वेसल्स इज प्रेजेंट डीप टू एरियोला, दिस इज द सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ द सैपी। तो इसकी डायग्राम ऐड कर देंगे। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे ऐड कर देनी है, ये है एंटेरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ये वाले, एंड ये है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। तो ये डायग्राम यहाँ पे हमें ऐड कर देनी है। नेक्स्ट है द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट पासिस थ्रू द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड द क्लैविपेक्टोरल फेशिया टू रीच द अपाइकल नोड्स एंड ऑल्सो द टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स। तो ये भी हम डायग्राम में डिनोट कर देंगे। तो ये एक हम डायग्राम ऐड कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे लेबलिंग्स क्या है। तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ये वाली, पेक्टोरलिस मेजर लिम्फ वेसल्स ये वाले, सब क्लैवियस, अपाइकल लिम्फ नोड ये वाली अपाइकल लिम्फ नोड, क्लैविपेक्टोरियल फेशिया। तो ये जो है जो हमें डिनोट करना है वो है क्लैविपेक्टोरल फेशिया। यह है थोरैको एब्डोमिनल आर्टरी एंड सेफेलिक वेन, यह है थोरैको एब्डोमिनल आर्टरी एंड सेफेलिक वेन, यह पेक्टोरलिस माइनर मसल्स एंड यह है एक्सिलरी फेशिया। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। द अपर एंड द आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सेवरल एनाटॉमिकल फैक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन। तो पहले हम देखेंगे इंसिजन ऑफ द ब्रेस्ट आर यूजली मेड रेडियली टू अवॉइड द कटिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। तो नेक्स्ट है द कैंसर सेल्स में इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट, द ब्रेस्ट देन बिकम फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा। थर्ड है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट एंड देयर कॉन्सिक्वेंट फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। तो ये हो गया हमारे क्लिनिकल के पॉइंट्स। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स बाय द कैंसर सेल्स में प्रोड्यूस इडिमा ऑफ द स्किन गिविंग राइज टू अपीयरेंस ऑफ लाइक दैट ऑफ द स्किन ऑफ एन ऑरेंज। तो इसे हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है
Because of communication of the superficial lymphatics of the breast across the midline, cancers may spread from one breast to another. Next, hamara, because of the communication of the lymph vessels with those in abdomen, the cancer of the breast may spread to the liver and the cancer cells may drop into the pelvis, producing secondaries there. तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी.